नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने खास YouTube चैनल में। और मैं हूँ आप लोगों के साथ आचार्य सपना श्री। दोस्तों, मैं हूँ आपकी गुरु, आपकी गाइड, आपकी दोस्त। और आज हम बात करेंगे माँ के छठे नवरात्रे की, माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी का किस लिए हमारे को आशीर्वाद चाहिए? जिन लोगों की शादी में परेशानियाँ आ रही है, डिले आ रहे हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, होके टूट रहे हैं, जिससे हम शादी करना चाहते हैं वहाँ हमारी शादी नहीं हो रही है, परेशानी आ रही है, तो उसके लिए हमारे को माँ कात्यायनी का आशीर्वाद ज़रूर चाहिए। माँ भगवती, माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती के ये 9 रूपों को हमारा नमन है। दोस्तों, अपने घर में सुख शांति बनाए रखिए। सबसे पहले अपने घर में सुख शांति, कोई गाली गलौच नहीं, कोई ऊंची आवाज़ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं। अपने घर का माहौल अच्छा करिए ताकि माँ भगवती अपने चरण आपके घर में डालें। साथ ही आपने क्या करना है इन नवरात्रों में, आज के दिन तो माँ कात्यायनी से जब आप विश अपनी मांगना चाहते हैं ना कि हमारे मन चाहे प्यार से हमारी शादी हो जाए या हमारा रिश्ता बने, तो आपने क्या करना है, गुड़हेल का फूल माँ को अर्पित करना है। जी हाँ दोस्तों, गुड़हेल का फूल, जिसको चाइनीज रोज हम बोलते हैं, वो माँ को अर्पित करिए अपनी विश के साथ। फूल को कभी भी सूंघते नहीं है, सूंघिएगा मत उसको। माँ के एक ही गुड़ेल का फूल आप माँ को अर्पित करिए, अपनी विश को डाल के अपने हाथ में रख के अपनी मनोकामना बोलिए और माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। साथ ही माँ के चरणों पे, चरण पादुकाओं पे, माँ के हाथों पे गुलाब का एसेंस ऑयल, गुलाब का इत्र कहीं से भी लाइए ढूंढ के, अधिकतर लोगों के घरों में होता भी है, उसको लगाइए और आप देखेंगे कैसे माँ आपकी मनोकामना को पूरा कर देंगी। दोस्तों, ऐसी ही आप लोगों की विश को पूरा करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है ये किस्मत का द्वार। दोस्तों, ये किस्मत का द्वार अगर आपके द्वार आ गया तो यकीन मानिए आप लोगों की विश तो पूरी होनी तय है। आप लोगों की विश ये पूरी करेगा, कोई भी परेशानी, चाहे वो सेहत है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपका कहीं पर रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है या आपको प्रमोशन की दिक्कत आ रही है, घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, घर में सब कुछ अच्छा है उसके बाद भी डिप्रेशन फील हो रहा है, कहीं ना कहीं ऊर्जा जो है घर की, एनर्जी जो है वो डाउन है, हर तरीके के काम पे कारगर साबित होता है। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं माँ की चरण पादुकाएं हैं, ये यंत्र आप इसमें बना हुआ देख रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आप ये जो चमत्कारी पोटली आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपने अपनी विश डालनी है, इसे खोलना है, इसमें अपनी विश डाल के इसको 3 बार गिठान लगा के आपने इसको बंद करना है। और उसके बाद ये बहुत खूबसूरत भी है, आप देख सकते हैं ये किस्मत का द्वार, आप अपने घर जरूर मंगवाइए। उसके बाद आप अपनी पूजा स्थान पे रख सकते हैं, अपने घर के लॉकर में रख सकते हैं, लेकिन किसी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ ज़्यादा इस पर नज़र ना पड़े। थोड़ी सी एक है ना सिक्रेटिव चीज़ है, इसको मैंने बहुत ही प्यार से तैयार किया नवरात्रों में, और ये बहुत ही कम मात्रा में मैंने इन जो है पोटली को तैयार किया है। आप इनको ज़रूर ऑर्डर करवाइए, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे हैं। माँ कात्यायनी की, माँ भगवती की, माँ पार्वती की असीम कृपा आप पे और आपके परिवार पे बनी रहे, यही मनोकामना हम करते हैं। धन्यवाद।